हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? हम केमिस्ट्री इस लेक्चर में केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर की बात करेंगे. दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 3, दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. बट केमिस्ट्री का हमारा ये जो है वो फर्स्ट चैप्टर है. इससे पहले एक वीडियो लेक्चर आपने देखा था, उस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ बेसिक डिस्कस किया था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. तो हमने फाइबर्स के बारे में, फाइबर, यार्न, फैब्रिक, क्लॉथ, इन सब के बारे में डिस्कस किया था. साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी फाइबर जो है वो हमें टू सोर्सेज से ऑब्टेन होता है. फर्स्ट वन इज़ नेचुरल एंड सेकेंड वन इज़ सिंथेटिक. तो नेचुरल के बारे में तुम 7th क्लास में बिल्कुल डीपली पढ़ के आए हो. इस चैप्टर में हम सिर्फ हमारा जो मेनली फोकस होगा वो होगा सिंथेटिक फाइबर के ऊपर. तो हमने लास्ट लेक्चर में इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, कुछ जो न्यू थी तुम्हारे लिए, लाइक पॉलीमर, मोनोमर, पॉलीमराइजेशन, पेट्रोकेमिकल्स. तो ये सब हमने डिस्कस किया था. तो आज हमारे इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. तो कंटिन्यू करने के लिए आगे हम तो आज इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे सिंथेटिक फाइबर है उनको डीपली, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या एडवांटेजेस हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे. तो इस कैटेगरी के अंदर, सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में, जो हमारा फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर आता है, दैट इज रेयॉन. मैंने पहले लेक्चर में भी तुम्हें बताया था कि रेयॉन इज नॉट फुली सिंथेटिक फाइबर, इट इज सेमी सिंथेटिक. दिस इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक. बट सिंथेटिक फाइबर्स की कैटेगरी के अंदर ये हमारा फर्स्ट फाइबर है रेयॉन. इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं. तो रेयॉन, तो देखो रेयॉन के जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन 1880s में हुई थी फ्रांस के अंदर. ड्यूरिंग दिस टाइम वहाँ पर प्रोडक्शन हुई थी. तो इसके प्रोडक्शन के लिए क्या हुआ था, जो वुड पल्प है उसका एक्सट्रैक्ट को बाहर निकाल लिया. उसको एक्सट्रैक्ट को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वुड के अंदर क्या है, सेल्यूलोज, तो रेयॉन फाइबर में भी क्या होगा, सेल्यूलोज. तो वुड पल्प निकालने के बाद हमने उसमें कुछ क्या की, केमिकल मॉडिफिकेशन. लेबोरेटरी में ले गए, साइंटिस्ट ने उसकी केमिकल मॉडिफिकेशन की, जिससे वो फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सेमी सिंथेटिक फाइबर के अंदर. देखो एक जो मेन यहाँ पर अगर हम बात करें क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें सिंथेटिक फाइबर की नीड हुई. अब तुम्हें पता है कि कोई भी क्रॉप है उसको ग्रो होने के लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहिए, कितने टाइम पीरियड में वो ग्रो होते हैं. जैसे कॉटन है या जो भी हमारी फार्मिंग है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए. अब जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो क्लॉथ की जो है अगर हम बात करें, क्लॉथ की नीड भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी. तो उस नीड को देखते हुए साथ ही साथ जो हमारे नेचुरल फाइबर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, उनका एक्सपेंस ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है. तो इन सब कंडीशंस को, इन सब फैक्टर्स को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम्स जो आई उनको दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक अल्टीमेट निकाला. तो उन्होंने क्या किया, जो नेचुरल फाइबर थे पहले तो उन्होंने उसमें मॉडिफिकेशन करनी स्टार्ट की बाय द हेल्प ऑफ केमिकल. अब मॉडिफिकेशन करके अब जो उनको केमिकल फाइबर मिला, आर्टिफिशियल फाइबर मिला, उस फाइबर को जब देखा तो वो चीपर था कंपैरेटिवली. उसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेटर थी नेचुरल से, और हम उसको लार्ज स्केल में ऑब्टेन भी कर सकते थे. तो ये कुछ रीजन थे जिन रीजन की वजह से सिंथेटिक फाइबर की हमें नीड हुई. तो हाँ, रेयॉन की बात कर रहे थे हम. रेयॉन 1880s में फ्रांस में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी बाय द हेल्प ऑफ वुड पल्प, जिसके अंदर मॉडिफिकेशन की बाय द हेल्प ऑफ केमिकल. सो दिस इज फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर. तो अगर हम दिस इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. ये और ये क्या है, चीपर है इन कंपैरिजन टू नेचुरल सिल्क फाइबर. अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की. प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, इट इज गुड एड्सोर्बेंट, डज नॉट श्रिंक. गुड एब्जॉर्बेंट का क्या मीनिंग है, कि ये वाटर को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और श्रिंक नहीं होता. श्रिंक मतलब सिकुड़ना. सेकेंड है, इट इज कूल टू वेयर एंड इट ड्रेप्स वेल. जैसे सिल्क, अगर तुम कभी, तुमने सिल्क फाइबर को टच करके देखा हो, सिल्क फैब्रिक को, तो तुम्हें वो कूल लगता है. तो इसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ मैच करती हैं सिल्क से. तो क्या है, इट इज कूल टू वेयर एंड ड्रेप्स वेल. इट कैन बी इजिली डाइड इन वेराइटी ऑफ कलर्स. अब ये तो है नहीं कि सिंगल कलर के कपड़े जो हैं, क्लोथ जो है, हम वो डेली वियर करते हो. नहीं,
हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्लोथ्स चाहिए। अगर हम बात करें समर में हमें लाइट कलर चाहिए, विंटर में हमें डार्क कलर चाहिए, तो ये सब अकॉर्डिंग टू सीजन्स होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें क्लोथ्स के कलर की नीड होती है। तो ये जो फाइबर है रेयॉन फाइबर, इस फाइबर को इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं, सो इट कैन बी इजीली डाइड इन वैरायटी ऑफ डिफरेंट कलर। तुम फिगर 3.2 में देख सकते हो, 3.2 में एक जगह तो हमें रेयॉन फाइबर दिखाया हुआ है और दूसरे फिगर में हमें शो किया हुआ है ये डिफरेंट जब कलर्स के अंदर डाई हो गया। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड यूजेस। इट इज़ चीपर टू प्रोड्यूस एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। कि सिल्क की फार्मिंग, तुम्हें पता है अगर प्योर सिल्क, हम नेचुरल सिल्क की बात करें तो उसके लिए हमें फार्मिंग करनी पड़ती है सिल्क वॉर्म की, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और क्योंकि आज डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है फाइबर की, तो उसके कंपेरेटिवली इट इज़ वेरी चीपर। सेकेंड है, इट कैन बी ईजिली मिक्स विद अदर फाइबर। देखो आजकल जो फाइबर हैं वो बिल्कुल प्योर नहीं रह गए, ब्लेंडेड बन गए। ब्लेंडेड मीन्स व्हेन टू और मोर फाइबर एडेड दे फॉर्म ब्लेंडेड फाइबर, उनको बोलते हैं ब्लेंडेड फाइबर। तो इजीली ब्लेंड कर सकते हैं हम एक फाइबर को इस किसी दूसरे फाइबर के साथ मिक्स करके हम कोई नया फाइबर बना सकते हैं, तो काफ़ी मॉडिफिकेशन आ गई। सो इट कैन बी इजीली मिक्स विद अदर फाइबर लाइक कॉटन और वुड। इट इज़ वाइडली यूज इन टेक्सटाइल एंड कारपेट इंडस्ट्री। कि टेक्सटाइल और कारपेट इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर हम बात करें जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो हमारे कारपेट आते हैं उनके अंदर सिल्क यूज़ होता है, ये नहीं कि नॉर्मली हम जो घर में यूज़ करते हैं, नहीं, वो जो एक्सपेंसिव आते हैं उनमें क्या यूज़ होता है, रेयॉन। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग बैंडेज। जो बैंडेज हमें कट लग जाता है, हम बैंडेज लेके आते हैं, उसमें भी कौन सा हमारा फाइबर यूज होता है, रेयॉन। सो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड यूजेज ऑफ रेयॉन। यहाँ पर फिगर देख सकते हो, फिगर 3.3, डिफरेंट थिंग्स मेड ऑफ रेयॉन्स। फर्स्ट में दिखाई हुई है साड़ी एंड सेकेंड में रेयॉन कारपेट। So this is all about the rayon fiber. तो हमें rayon fiber के बारे में क्या क्या पता चला, कि it is semi-synthetic, it is made from chemical changes of wood pulp. कि wood pulp में chemical changes करके हमें rayon obtain हुआ। उसके बाद इसकी कुछ हमने properties पढ़े, uses पढ़े, advantages पढ़े। तो अब हमारे next फाइबर पे आ जाते हैं, नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर, दैट इज नाइलोन। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा जैसे कि फिगर में हाईलाइट करके दिया भी हुआ है कि इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। कि ये जो हमारा है वो फर्स्ट फुली सिंथेटिक है, तो यहाँ पर ये मेन बात याद रखनी है। और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी अगर हम बात करें तो 1930s के टाइम में हुई थी, और किस साइंटिस्ट ने की थी, वॉलेक एच क्रोथर्स डिस्कवर्ड दिस फाइबर एज इट्स सिंथेसिस डज नॉट इन्वॉल्व एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। कि इसकी सिंथेसिस प्योरली बेस्ड थी, किसके ऊपर बेस्ड थी, वो केमिकल्स के ऊपर, नॉट बेस्ड अपॉन दी रॉ मटेरियल ऑफ नेचुरल थिंग्स। तो तभी हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। इट वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम, अब बात आती है कि किससे प्रोडक्शन हुई थी इसकी, फ्रॉम कोल, एयर, वाटर, एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट। कि इन सबको मिक्स करके हमें जिस फाइबर की ऑब्टेन हुई थी उस फाइबर को हम क्या बोलते हैं, नाइलॉन। नॉलेज डेस्क में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, नाइलॉन वॉज डेवलप्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम्स इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। कि न्यूयॉर्क और लंदन में सेम टाइम पे डेवलप हुआ था, इसलिए इसका नेम क्या लिखा, नाइलॉन। नाइ न्यूयॉर्क, लॉन मीन्स लंदन। फिगर 3.4 में तुम देख सकते हो नाइलॉन फाइबर जो है उसको शो किया हुआ है, इट इज़ फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। नाउ कम ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ नाइलॉन, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नाइलॉन फाइबर। कि नाइलॉन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग फाइबर है, इवन स्ट्रॉन्गर देन स्टील। कि हम क्या करें, स्टील की वायर लें एक, हम ये जो है हमारा नाइलॉन इसका फाइबर लें जिसकी थिकनेस सेम है और जिनकी लेंथ भी सेम है, तो फिर हमें क्या करना है, दोनों से कुछ ना कुछ वेट
हम वहाँ पर टाई कर देते हैं, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर नाइलॉन की स्ट्रेंथ जो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है, वो कितना हैवीनेस, कितना वेट हो सह सकता है, कि इससे ज़्यादा वेट के बाद वो ब्रेक हो जाएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करें तो नाइलॉन की ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू स्टील वायर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, इट इज़ शाइनी, सॉफ्ट, स्मूथ, इलास्टिक। देखो, तुम्हें फिगर से देख के ही पता चल रहा होगा कि ये शाइनी है, सॉफ्ट है, स्मूथ है और इलास्टिक फाइबर है। इट इज़ लाइट वेट एंड ईजी टू वॉश। लाइट वेट है, वॉश कर सकते हैं इजिली। इट कैन बी ईजिली डाइड इन डिफरेंट कलर्स। अच्छा, जब भी तुम कोई नया क्लॉथ लेके आते हो, कुछ कुछ क्लॉथ पे उनके फाइबर के नेम लिखे होते हैं, तो आज के बाद तुम्हारा काम क्या रहेगा, जब भी तुम कोई क्लॉथ देखो, मार्केट से नया लेके आओ, उसको अच्छी तरह देखो, कोई टैग लगाओ जिसके ऊपर उसका फाइबर लिखाओ, तो तुम्हें नॉलेज होगी कि यस दिस इज रेयॉन, दिस इज नायलॉन। तो आगे से तुम्हें चेक करना है। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, इट कैन बी इजिली डाइड इन डिफरेंट कलर्स। ये तो हर फाइबर की प्रॉपर्टी है कि इजिली डिफरेंट कलर में डाई हो जाते हैं। इट एब्जॉर्ब लेस वाटर एंड ड्राई क्विकली। देखो, रेयॉन में हमने पढ़ा था इट इज गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर, बट नाइलॉन क्या है, अपोजिट है। नाइलॉन एब्जॉर्ब लेस वाटर। इट इज इजी टू मेंटेन एज इट इज रिंकल फ्री। इट हैज़ वॉश एंड वियर प्रॉपर्टी, दैट इज इट डज नॉट रिक्वायर आयरनिंग। मीन्स इसको आयरन करने की नीड नहीं होती, ईजिली वॉश कर सकते हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इसकी वॉशिंग के लिए, नहीं, ईजिली इसको हम वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज़ लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग फैब्रिक। मीन्स ड्यूरेबल है ये, काफ़ी टाइम तक ये चलता है। इट इज रेजिस्टेंट टू अटैक बाय मोथ, फंगाई एट्सेट्रा। कि जो भी क्लॉथ के ऊपर, जो भी हम बात करें कि फंगाई वगैरह आते हैं, तो उनसे क्या है, रेजिस्ट होता है, ये रेजिस्टेंट होता है, उनको अपने अंदर नहीं आने देता। देखो, टेंसाइल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन भी है, टॉलरेंस ऑफ स्ट्रेस ऑफ एनी सब्सटेंस अंटिल इट ब्रेक्स। कि जब तक वो ब्रेक ना हो जाए, तब तक उसकी कितनी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है, किसी चीज़ को वो कितना सहन कर सकता है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस को, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी नाइलॉन फाइबर। तो ये हमारे नाइलॉन फाइबर के बारे में कुछ मेन बातें थी। अब हम एक्टिविटी टू को डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिविटी टू, एम टू कंपेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फाइबर। कि अभी मैंने बताया हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करनी है कॉटन की। तुम ऑब्जर्वेशन में टेबल को देख सकते हो, कॉटन, वूल, सिल्क, नाइलॉन, रेयॉन। तो यहाँ पर क्या करना है, सबकी इक्वल लेंथ, इक्वल थिकनेस के फाइबर लेने हैं, उसके बाद सबके ऊपर वेट टाई करना है इक्वल इक्वल। तो देखना है कौन सबसे ज़्यादा टेंसाइल है, कौन कम है, तो उसके अकॉर्डिंग ये टेबल बन जाएगी। तो कंक्लूजन जब हम करेंगे, उससे हमें पता चलेगा नाइलॉन फाइबर इज स्ट्रोंगर फाइबर देन अदर फाइबर्स। तो ये इसका कंक्लूजन था, कि इसलिए हमने ये एक्टिविटी की। अब आ जाते हैं यूजेज ऑफ नाइलॉन। यूजेज हैं नाइलॉन के, इट इज़ यूज टू मेक, देखो अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ का है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब जहाँ पर हमें ज़्यादा टॉलरेंस पावर यूज़ करनी पड़ती है, उन्हीं में यूज़ करेंगे। तो कभी कभी हमें यूजेस याद नहीं आते, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो हम किस में, रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं या फिशिंग नेट में, क्योंकि वहाँ पर हमें ज़्यादा टॉलरेंस पावर चाहिए होती है। तो अब हम यूजेस देख भी लेते हैं क्या, टू मेक ड्रेसेस, ट्रैक सूट, सॉक्स, स्विम वेयर्स, रेनकोट, स्टॉकिंग, शर्ट। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक कर्टेंस, बेडशीट, रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, पैराशूट्स, फिशिंग नेट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स एंड रैकेट स्ट्रिंग, टायर्स, अम्ब्रेलाज। क्योंकि सेकंड में जो यूजेस लिखे हैं, ये सब इस तरह के यूजेस हैं जहाँ पर टॉलरेंस पावर ज़्यादा यूज होती है। फिगर 3.5 में तुम्हें दिख भी रहा है, सॉक्स, रेनकोट, रॉप, फिशिंग नेट एंड कार सीट बेल्ट। सो ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट यूजिंग ऑफ आर नाइलॉन फाइबर, दैट इज फुल्ली फॉर सिंथेटिक फाइबर। अब हम आते हैं हमारे थर्ड फाइबर पे, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीएस्टर। सबसे पहले इसके नाम को मैं क्लियर करती हूँ, पॉली मीन्स मैनी, एस्टर, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है एस्टर। एस्टर इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल, ये एक केमिकल है जो स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करता है, जो ब्रीफली जो
तुम 10th क्लास में स्टडी करोगे जिसको, उसके अंदर क्या है, जब हम अल्कोहल के अंदर एसिड मिक्स करते हैं तो जो केमिकल बनता है वो हमारा होता है एस्टर। तो तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि एस्टर कोई केमिकल है। इट मीन्स जब एस्टर के बहुत सारी यूनिट कंबाइन होती है, थाउजेंड ऑफ यूनिट ऑफ एस्टर कंबाइन, देन दे फॉर्म पॉलीएस्टर। इट इज अ पॉलीमर, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर। सो पॉलीएस्टर इज वन ऑफ मोस्ट वाइडली यूज सिंथेटिक फाइबर इन द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा यूज होता है। इट इज लॉन्ग चेन पॉलीमर। ये हमारा कैसा है, लॉन्ग चेन, याद हो तुम्हें, हमने टू टाइप्स पढ़े थे, टू वेज पढ़े थे, एक लॉन्ग चेन था, दूसरा ब्रांच था। तो लॉन्ग चेन का एग्जाम्पल जो है वो पॉलीएस्टर भी है। एंड इट इज मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एस्टर। मैंने तुम्हें बता दिया कि एस्टर इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड प्लस एल्कोहल, वन ऑफ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। की पॉलिएस्टर की सबसे कॉमन जो फॉर्म है वो क्या है, पीईटी, पेट। पेट मीन्स पॉली इथाइलिन टेट्रा टर्थैलेट। पॉली इथाइलिन टर्थैलेट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेट। ये एक केमिकल है जो हायर क्लासेस में तुम डीपली स्टडी करोगे, यहाँ पर तुम्हें इसका नेम याद रखना है। इट इज यूज इन मेकिंग वाटर बॉटल, लंच बॉक्सेस, जार एटसेट्रा, विच आर शटर प्रूफ एंड चीप। टेरिलिन इज अनदर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। तो यहाँ पर तुम्हें पॉलिएस्टर की दो फॉर्म बताई है, एक तो क्या है टेरिलिन और एक क्या है हमारा पॉलिएस्टर। टेरिलिन पॉलिएस्टर, पीईटी पेट, पॉलीथाइलिन टर्थैलेट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, पॉलिएस्टर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड टफ फाइबर। क्योंकि देखो वाटर बॉटल बन रही है, इसका मतलब टफ तो है ही, स्ट्रॉन्ग भी है, ड्यूरेबल है, लाइट वेट है। इट डज नॉट रिंकल, श्रिंक, स्ट्रेच, ये सब इसके प्रॉपर्टीज हैं। इट इज रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ केमिकल, मोस्ट ऑफ केमिकल को रेजिस्ट करते हैं। इट इज इजिली सॉरी इट इज इजी टू वॉश एंड एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर एंड ड्राई क्विकली। क्योंकि बॉटल बनाने में यूज हो रहा है, इसका मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज से मैच कर रही हैं। इट कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर, जैसे तुम देखते हो बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल डिफरेंट कलर की मिलते हैं हमें। यहाँ पर फिगर में तुम देख सकते हो 3.7 में, थिंग्स मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर, साड़ी, ट्रैक सूट, पिलो, कर्टेंस, कारपेट, बेड, ऑल दीज आर द थिंग दैट आर मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर के अगर यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस हैं, इट इज़ यूज इन मेकिंग शर्ट, ड्रेसेस, साड़ीज, ट्रैक सूट, पिलो, कर्टेंस, कारपेट, बैग्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है, इट कैन ऑल्सो बी मिक्स विद अदर फाइबर टू प्रोड्यूस फैब्रिक हैविंग ब्लेंडेड प्रॉपर्टीज। मैंने बात की तुम्हें ब्लेंडेड मीन्स जहाँ पर हम मिक्स करते हैं टू और मोर फाइबर्स को। तो ब्लेंडेड फाइबर के यहाँ पर हमारे पास थ्री एग्जाम्पल हैं, पॉली कॉटन, पॉली वूल, टेरिकोट। पॉली कॉटन मीन्स पॉलीएस्टर प्लस कॉटन, पॉली वूल मीन्स पॉलीएस्टर प्लस वूल, एंड टेरिकोट मीन्स टेरिलिन प्लस कॉटन। तो ऑल दीज थ्री आर दी एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडेड फाइबर। तो इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी किसकी होंगी, दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, कि दो फाइबर से मिलके बने तो पॉलिएस्टर और कॉटन की दोनों प्रॉपर्टी होंगी। तो इट कैन ऑल्सो बी मिक्स विद, तो पॉलिएस्टर की ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जिस वजह से ये अदर फाइबर के साथ कंबाइन होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लेंडेड फाइबर में। तो ब्लेंडेड फाइबर की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ डिफरेंट यूजेस होते हैं जिससे पॉलिएस्टर के यूज स्प्रेड हो गए, वाइड हो गए। तो ये हमारे थे कुछ इम्पोर्टेंट सिंथेटिक फाइबर। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। पहला हमने सिंथेटिक फाइबर कौन सा पढ़ा था, रेयॉन। सेकेंड हमने पढ़ा नाइलॉन, एंड थर्ड वन इज पॉलिएस्टर। आपको क्या करना है, डीपली पहले इस केयरफुली इस वीडियो लेक्चर को सुनना है। सुनने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको ये बुक अवेलेबल है, एनसीईआरटी या जो भी आपके पास बुक है, पीडीएफ है, क्योंकि सबके पास बुक नहीं है, तो उस पीडीएफ में से लाइन टू लाइन स्टडी करना है, तभी आपको चैप्टर क्लियर होगा। मैं भी आपको लाइन टू लाइन क्लियर कर रही हूँ चीज़ें, तो लाइन टू लाइन आपने पढ़ना है, ये आपका काम रहेगा। जो भी असाइनमेंट इसके रिलेटेड होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछ लेना, ये नहीं हो कि डाउट को छोड़ते जाएं बाद में पूछेंगे, नहीं, साथ साथ आपको डाउट्स क्लियर करने हैं। तो यहाँ आज का लेक्चर हमारा होता है फिनिश। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।